हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपके लिए कुशन का एक नया डिजाइन बताऊंगी, जो मैंने इस तरह का कुशन बना के रखा हुआ है। इसमें मैंने ये मैंने मोतियों वाले कुशन बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने मोती लगाए हुए हैं। ये इसमें कुशन जो है, इसमें फ्लावर बने हुए हैं और उस फ्लावर के ऊपर मैंने मोती बनाए हुए हैं, जो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह का दिखेगा। ये मैंने इतने साइज का बनाया हुआ है। आप चाहे तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं और इससे छोटा भी बना सकते हैं। उसी हिसाब से आपको कपड़ा जो है वो काटना पड़ेगा। अगर बड़ा बनाना है तो उसी हिसाब से ज़्यादा कपड़ा काटना पड़ेगा, छोटा बनाना है तो उस हिसाब से छोटा कपड़ा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएँ। धन्यवाद। बनाना अब मैं आपको कपड़े पर ड्राफ्ट बनाऊंगी इस डिजाइन का। ये मैंने कपड़ा रखा हुआ है, ये कपड़ा जो मैंने सीधा रखा हुआ है, ये इसका उल्टा, ये उल्टा है और ये सीधा है इस कपड़े का। तो मैंने ये सीधा जो है ऊपर की तरफ करना है, ये सीधा रखना है। ऐसे कपड़ा जो ड्राफ्ट बनाऊंगी मैं, वो इस सीधे के ऊपर बनना है ये ड्राफ्ट। और ये स्केल है, ये एक बड़ा स्केल है। इसकी सहायता से मैं ड्राफ्ट बना के दिखाती हूँ आपको, जिसमें मैंने सहायता से इसको काटूंगी। ये कितने इंच लेना है, ये मैंने 33 इंच लेना है। ये अभी 24 हुआ और इधर से फिर आगे फिर मैंने इधर जो है 9 इंच और लेना। मैंने ये निशान लगा दिया, ये पूरे हो गए 33 इंच हो गया। ये मैंने निशान लगा दिया है, ये मैंने निशान लगा दिया है। और फिर जो है ये चारों तरफ से मैंने कपड़ा जो है 33, ये जो हमने चारों तरफ से कपड़ा 33 इंच जो हमने काटना है, ये हो गया 24। और इससे आगे हमने और लेना है, ये कर लिया हमने 9 इंच जो और बढ़ा दिया हमने, जो मैंने ये निशान लगा दिया नहीं बढ़ा। और अब हमने यही नीचे को भी 33 इंच करना पूरा, ये 24 और इससे आगे और ये हमने 9 इंच पर ये निशान लगा दिया 9 इंच। और फिर जो है ये हमने मिला लेना है आपस में, ये जो हमने आपस में मिला लिया। आपस में मिला लिया, फिर हमने इस तरफ भी 33 इंच जो हमने इसकी लाइन लगानी 33 इंच की, ये इधर से ये 24 हुआ, इधर 24 और आगे हमने फिर हमने आगे जो है ये 9 इंच जो है हमने और निशान लगा लिया। फिर हमने ये जो आगे तक ऐसे स्केल की सहायता से मिलाना है, ये जो हमारा अब ये आ गया, चोर्स बन गया हमारा कपड़ा। 33 इंच ऐसे काटा और 33 इंच ऐसे नीचे को काटा और 33 इंच ऐसे नीचे को काटा और 33 इंच ऐसे ही। फिर ये हमने जो है कैंची की सहायता से हमने काट लेना है।
ये जो मैंने कपड़ा काट के रख लिया है ये ऐसे 33 ऐसे ही लेना है और 33 इंच ऐसे ही और 33 इंच ऐसे और 33 इंच ऐसे, मतलब हमने जो है 33 इंच 33 बाई 33 बाई लेना है हमने। ये कपड़ा जो है चारों तरफ से इसकी लंबाई भी 33 होनी चाहिए, चौड़ाई भी 33 होनी चाहिए इसकी। फिर हमने इस स्केल की सहायता से हमने इसको चारों तरफ से हमने इसका 3-3 इंच जो है निशान लगाना नीचे को, जैसे ये हमने इधर 3 इंच लगा लिया। फिर आगे भी ये हमने आगे 3 इंच तक लाइन लगानी है, तो फिर हमने इधर भी 3 इंच लगा लिया, फिर आगे इधर भी 3 इंच लगा लिया और फिर आगे भी हमने जो है 3 इंच लगा लिया। फिर हमने जो है ये लाइन आपस में मिला देनी है। ये जो हमने अब 3 इंच जो है हमने ये छोड़ दिया कपड़ा, अब इधर से भी 3 इंच हमने जो है कपड़ा छोड़ना है। ये 3 इंच ये और 3 इंच जो हमने इधर भी छोड़ा, ये 3 इंच हमने इधर भी छोड़ दिया। अब ये भी हमने इधर भी स्केल की सहायता से हमने लाइन लगानी है। ये अब इधर भी हमने 3-3 इंच जो कपड़ा छोड़ दिया बाहर, अब इधर भी हमने जो है 3 इंच जो है कपड़ा छोड़ दिया, 30 इंच अब सॉरी 33 इंच लंबाई और 33 इंच चौड़ाई चारों तरफ से हमने 33-33 काटा है। फिर हमने 3-3 इंच का गैप ले लिया, ये 3 इंच कपड़ा छोड़ दिया, इस तरफ से भी 3-3 इंच बाहर की तरफ कपड़ा छोड़ा हुआ है और उस तरफ भी 3 इंच बाहर की तरफ जो है कपड़ा छोड़ा है, उस तरफ भी 3 इंच जो हमने बाहर की तरफ कपड़ा छोड़ा हुआ। फिर हमने जो ये लाइन लगाई हुई है इसके अंदर हमने स्केल की सहायता से हमने लाइनें लगानी है, जैसे ये पहली लाइन इधर लगाई हुई है, चाहे आप इधर से लगाओ चाहे आप इधर से लगाओ, मैं इधर से लगा के बताती हूँ आपको। जैसे ये लाइन लगी हुई है इसके ऊपर जो हमने इसके ऊपर से स्केल रखना है, फिर ऐसे लाइनें लगानी है ऐसे आगे तक जहां तक हमने लाइन लगाई हुई है उधर तक हमने जो है ऐसी लाइन नहीं लगानी है। ये ऐसे एक लाइन आ गई, फिर हमने दूसरे लाइन जुड़ गई तो इसके ऊपर जो है स्केल रखना है, फिर हमने ऐसे 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 फिर आगे तक क्या कहते इस लाइन से बाहर लाइन नहीं लगानी, इसके अंदर ही लाइनें लगानी है, ऐसे ही आगे तक हमने जो है इसको कवर करना है। लाइनें लगाई हुई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये साइड की आ गई। ये जो हमारा इतना कपड़ा जो है बच गया, इसका कोई नहीं, जब सिलाई करेंगे तो इसको कट कर देंगे हम। ये हमारा इस तरफ बचा हुआ है तो हमारा इस साइड भी एक तरफ भी बचेगा, फिर हमारा फिर जो है चौरस आ जाएगा, ये पहले की तरह चौरस आ जाएगा। अब जो हमने जैसे इधर लगाई लाइनें वैसे ही हम अब इस साइड से लगाएंगे कपड़ा, जो हमने ऐसे घुमा लेना है। अब जो हमने ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर हमने स्केल जो ऐसे रखना है, पहले हमने ऐसे रखा हुआ था ऐसे ऐसे रखते गए, अब हमने ऐसे रखना है।
जो ये लाइन है फर्स्ट लाइन, हमने इस लाइन के ऊपर रखा हुआ है। फिर हमने ऐसे जो है स्केल की सहायता से लाइन लगा देंगे। ऐसे ही आगे तक, जैसे जितनी ये लगाई हैं उतनी ही ये ऐसे आगे तक लगाते जाना। ये जो हमने अब आगे तक जो लाइनें लगा दी हैं, इधर हमारी ये लाइनें खत्म हो गई हैं। जैसे हमने इस तरफ भी हमने 20 लाइनें जो बनाई हुई हैं, मतलब ये जो खाने हैं ये 20 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ऐसे भी 20 होने चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20। तो हमारी ये जो है लास्ट की लाइन ये होनी चाहिए। हम इधर से 3 इंच कपड़ा छोड़ के इधर भी काट सकते हैं हम, और इधर भी 3 इंच जो कपड़ा काट के इधर छोड़ के 3 इंच काट सकते हैं। जैसे ये 3 इंच इधर आया, 3 इंच इधर आया, वैसे ही 3 इंच इसके बाद आना चाहिए और 3 इंच इधर आना चाहिए। अगर आपने इससे बड़ा साइज बनाना हो तो आप आगे भी जो लाइनें बढ़ा सकते हैं, इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो कुशन है वो इससे बड़ा बनेगा, जितना जो मैं बनाने जा रही हूँ उससे बड़ा बनेगा। वो आपकी मर्जी, चाहे आप बड़ा बनाओ चाहे छोटा, फिर आपका जो कपड़ा वेस्ट भी नहीं होगा। आप आगे तक इधर आपने अगर एक लाइन और लगाई तो इधर भी एक लाइन और लगानी है। 21 इधर करनी तो 21 उधर ही करनी है, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप बड़ा बनाओ छोटा। मैं जो मैंने इतना ही बनाया हुआ है। अब मैं इसमें आपको टांका लगाने बताऊंगी, जो आप इसको कहीं से भी टांका लगा सकते हैं, चाहे आप इस तरफ चलो चाहे आप इस तरफ चलो। मैं आपको, अब ये मेरी सुई है, इसमें एक ऐसा मोटा धागा चाहिए, कुशन वाला धागा, ये मोटा और टूटता नहीं है। उसमें आपको पहले मैं आपको इस तरफ चलती हूँ। आपने एक ऐसे टांके लगाने हैं सीधे सी लाइन में, और एक लाइन जो है आपने खाली छोड़नी है। ये पहले मैं आपको टांका बताती हूँ। आपने ये नीचे से जो है ऐसे ऊपर लेकर आना धागा। मैंने पीछे गांठ लगाई हुई है धागे को, फिर आपने इसी कोने से ऐसे उठाना है, और फिर ये इसी में से दूसरा कोना जो है ऐसे उठा लेना है। ये ऐसे उठा लेना, फिर ये ऐसे पकड़ना है, फिर हमने इसको एक बार और पक्का कर लेना है। ये हमने इसके दो कोने जो हैं पकड़ लिए। अब हमने ये जो हमने इसके तीसरा और चौथा कोना है वो भी हमने पकड़ लेना है इसी का। ये हमने ये धागा जो हमने इस कोने में, अब तीसरे कोने में लगाना है ऐसे टांका, और इसको इसके नीचे से लेकर जाना, ऊपर से नहीं ऐसे नीचे से लेकर जाना है। फिर हमने इसका चौथा जो है कोना भी पकड़ लेना है इसे। ये हमने चौथा कोना भी पकड़ लिया। ये हमारे जो अभी चारों कोनों जो हमने ऐसे पकड़ लिए, फिर हमने इन चारों को ऐसे पक्का कर लेना है। ये ऐसे हमने इसको जो है पक्का कर लिया। फिर हमने इसके ऊपर ये आपका ये फूल जो बन गया, इसके ऊपर हमने एक मोती लगाना है। जो मैंने ये ब्लू कलर का मोती लिया हुआ है, ये मोती जो हमने इसमें सुई में ऐसे ले लेना है। फिर हमने इस मोती को भी पक्का करना है। फिर हमने फिर ये चारों कोने ऐसे पकड़ने हैं ऐसे। फिर हमने ये जो है टांका लगा दिया इसको, फिर हमने ये मोती जो है पक्का करना है। हमने एक गांठ ऐसे मोती के चारों तरफ ऐसे दे देनी है, धागे से बांध देना है। ये
ये जो हमारा एक फूल बन गया, ये मोती भी लगा दिया हमने। अब ये जो सुई है हमने इसी फूल से ऐसे नीचे को निकाल देनी है। ये नीचे को निकाल दी मैंने। फिर जो हमने ये एक जो डिब्बी है हमने इसके चारों कोनों पकड़ लिए, फिर हमने दूसरी डिब्बी जो खाली छोड़नी है इसमें कुछ नहीं करना है। फिर हमने तीसरी डिब्बी के ये चारों कोने जो फिर से पकड़ने, ये धागा जो हमने नीचे से ही ऐसे इस कोने में लेकर आना है। ये ज़्यादा नहीं खींचना है, बस ऐसे ढीला चाहिए इतना। फिर हमने इसके चारों कोने जो फिर वैसे ही पकड़ने हैं। ये हमने दो कोने ऐसे पकड़ लिए। फिर हमने ये दोनों कोने ऐसे फिर इसको पक्का कर लेना। फिर दो ये पकड़ लिए, अब दो ये कोने भी पकड़ लेने हैं। और फिर जो सुई है ऐसे नीचे से दूसरा कोना भी पकड़ लेना है। ये जो हमारे अब चारों कोने ये हैं हमने पकड़ लिए एक साथ, फिर इनको ऐसे पक्का कर लेना। चारों कोने ये हमने ऐसे पक्के कर लेने हैं। फिर हमने अब इसमें भी ऊपर जो है मोती लगाना है। ये हमने मोती लगा दिया। मोती लगाने के बाद फिर हमने इसको ऐसे पक्का कर देना मोती को अच्छा, फिर ये मोती जो है हमारा निकलेगा नहीं। एक गांठ जो हमने ऐसे मोती में दे देनी है। फिर ऐसे ही हमने ये जो धागा हमारा ऊपर आ रहा है हम इसको इधर साइड से हम नीचे निकाल देंगे। फिर हमने जो है ये जो धागा ये एक डिब्बी ये छोड़ देनी है, फिर हमने आगे की डिब्बी पकड़नी है इसमें जो है ऐसे है। फिर हमने ऐसे ही लेनी है, हमने ऐसे ही ऊपर तक बनाते जाना है। ऐसे ही एक डिब्बी बनानी है, इसके चारों कोनों पकड़ने हैं। फिर हमने एक छोड़ना है, एक डिब्बी बनानी है, एक छोड़ना है, ऐसे एक लाइन कंप्लीट करनी है। फिर दूसरी लाइन में हमने ये पूरी खाली छोड़नी है, इसमें कोई भी डिब्बी नहीं बनानी, ना ये डिब्बी ना ये डिब्बी ना ये डिब्बी। फिर अगली लाइन में मतलब इसकी एक लाइन बनानी है और एक छोड़नी है, एक लाइन बनानी है एक छोड़नी है, पर एक लाइन जो बनानी है उसमें एक डिब्बी छोड़नी है बीच में और दूसरी की कोई भी डिब्बी नहीं बनानी है। ऐसे ही हमें आगे तक सारा बनाते जाना है। ये जो मैंने आपको ये डिजाइन बताया अब ये ऊपर तक ऐसे चलता जाएगा। जैसे एक ये बनाया हुआ अब ये डिब्बी खाली छोड़नी है, फिर इसमें बनाना है ये डिब्बी खाली छोड़नी है, फिर हमने जो ये आगे की लाइन पूरी खाली छोड़नी है, इसमें कोई नहीं बनाना। फिर जैसे ये बनाया वैसे ही हमने अब इधर से बनाना है, ये लाइन छोड़ देनी, इस लाइन में बनाना एक बनाना, इसमें एक डिब्बी छोड़नी है, एक बनाना एक डिब्बी छोड़नी है, वैसे ही एक लाइन बना के दूसरी छोड़नी है। मतलब एक लाइन में डिजाइन आएगा और एक पूरी खाली छोड़नी है, एक में आएगा एक खाली छोड़नी है, वैसे ही आपका आगे तक ऐसे डिजाइन जाएगा। और आपने ये जो लाइनें लगानी हुई हैं ये आपका ऐसी लाइनें डालनी है जिसमें आपका विषम संख्या में ये आए की लाइनें, तो फिर आपका डिजाइन जो ये लास्ट में भी डिजाइन आना चाहिए। ये खाली नहीं छोड़नी आपने, इधर भी डिजाइन आना चाहिए लास्ट लाइन में, इधर भी डिजाइन और उधर भी आपका डिजाइन आना चाहिए लास्ट लाइन में, और बीच में आपकी लाइनें जो एक एक लाइन जो पूरी खाली छोड़नी, एक में डिजाइन और एक में एक लाइन पूरी खाली छोड़नी ऐसे ही। तो ये ऐसे ही आपका ये मैंने बना के रखा हुआ एक ये बनाया हुआ मैंने, जिसमें मैंने ड्राफ्ट बना के ये कंप्लीट कर दिया है। जैसे ये एक लाइन में मैंने ये बना दिया, एक में बनाया एक छोड़ा हुआ खाना, एक में बनाया खाना छोड़ा हुआ, और फिर दूसरी लाइन में वापस में मैंने पूरा ही लाइन जो खाली छोड़ी, इसमें कोई डिजाइन कोई नहीं डाला मैंने। फिर तीसरी लाइन में भाई ये हमारी एक लाइन ये इकट्ठी हो गई है जिसमें मैंने डिजाइन बनाया हुआ, ये हमारा ऐसे ही आगे तक डिजाइन बना हुआ है, ये हमारा ऐसे जो है कुशन बन के तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको बैक साइड से है ऐसे सिल सकते हैं, जैसे ये मैंने बना के रखे हुए हैं कुशन, ये आप इसको पीछे से पीछे भी एक कपड़ा लगा के बना सकते हैं। ये जो मैंने इसमें
जीप लगाई हुई है, ये इसमें मैंने कुशन डाला हुआ है। आप इसको ऐसे बना के, ये मेरा तैयार हो गया बना के, ये ऐसे जो बना के रखा हुआ है ये ऐसे, फिर ये बैक साइड में ऐसे मैंने कपड़ा लगाया हुआ है और ये जीप वगैरह लगा दी ताकि आप इसमें कुशन डाल के आपका ऐसे तैयार होके बन जाएगा, देखने में भी अच्छा लग रहा है। इसमें मोती लगे हुए हैं और फ्लावर बने हुए हैं, ये बहुत ही प्यारा कुशन लगेगा। जो एक मैंने इस कलर का भी बना के रखा हुआ है जो अच्छे लग रहे हैं देखने में। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे शेयर और लाइक करना। धन्यवाद।